अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और खैरियत अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, माला माल रखे। आमीन आमीन सुभान आमीन। तो अभी हम चले हैं वापिस से मार्केट बिग बाजार। क्यों वो मैं बताऊंगी। क्योंकि बिग बाजार सच में मुझे पहले से पसंद नहीं था ना, वो ऐसे ही मुझे पसंद नहीं था, वो सच में मुझे पसंद नहीं था, उसकी वजह है ना दादा। तो उसके लिए अभी मुझे बहुत कंटाला आ रहा है जाने के लिए, लेकिन अदानी जल्दी भी आए तो सोचा चलो चलते हैं। ठीक है, हम लोग दलहन लेने को आए हैं। दलहन दलहन। देखो हमने आटा पीसने को दिया है, यहाँ पे आटा लेने को आए अभी हम लोग। और दानिश कैसे बैठे है क्योंकि आटे वाले ने बोला है 2 मिनट बैठो। अब मैं भी आती हूँ ना सामने। अब कहाँ है? और ये देखो आटे वाले ना कितना अच्छा सजाया है, मतलब लाइटिंग देखो उसकी कितनी अच्छी लाइटिंग लगाई है। और ये रहा रोड, रोड पड़ी है और अभी कोई आ रहा है। घर पे जाके मिलते हैं, अभी बस हो गया यहाँ। तुमको मालूम है कहाँ जा रही है? ये गई है विष की गोली लाने को। उसके गले में ना खिचखिच है, गला दुखता है, उसका गला दुखता है, उसके गले में खिचखिच है, जाती नहीं थी। मैंने जोर मार मार के उसको रवाना किया है। वो देखो अभी पहुँची है, अभी आएंगी यहाँ लेके गोली। तो ज़रा देखो तुम लोग हंसो उसको, जाओ हंसो। हाँ जाती नहीं, किधर जाने को लेंगे, नहीं बिल्डिंग के नीचे उतरने को तैयार नहीं। सब आयता ला खींचे, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसा करूँ। तभी मैंने भी सोचा है कि मैं आज से उसको हर जगह पे भेजूँगा, सामान लाने को, ये लाने को, वो लाने को, सब लाने को, सब जगह भेजेगा। और उसको अभी एक्टिव वाले के देने की है, एक्टिव के ऊपर जाएंगी वो हर जगह पे। हम लोग घर पे आ गए, लेकिन ना बाहर थोड़ी थोड़ी ना बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है ना रानू। तभी हमारे घर पे कोई आ रहा है, तो अभी हम फटाफट पहले नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के लेंगे, फिर मुझे खाना बनाना है। और जिस काम के लिए गए थे उसमें से एक काम हुआ एक नहीं हुआ, लेकर जाएंगे ना फिर वापिस। तुम जाके आओगे तभी चलेगा, अकेले जाओगे? तो कल वापिस जाना पड़ेगा और मुझे बहुत कंटाला आ रहा है सच में। काम ही नहीं हो रहे। तभी हम बाद में मिलते हैं, अभी फटाफट सब कर लेते हैं, खाना भी बनाना है, पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर सब हो जाएगा, इशा की नमाज है ना दानू। ए छोटी, ये देखो क्या चला है। छोटी मेरा छोटा पापा, और पुचुक देखो कहाँ बैठा है ऊपर। छनी छोटी छोटी छनी, सफाई चली है उसकी, देखो देख रहा है। छोटी कैमरा में देख पापा, मोबाइल पे देख, वो दूसरा मस्त देखो अब भी उठा है और क्या करने लगा है। लल्ला क्या कर रहा है। तो चलो अभी हम बाद में मिलते हैं, बहुत काम है। तो कोई आया है मेहमान आ रहा ना? हाँ। कोई मेहमान आया है और दानिया उसको लेने को गई है गेट पे, और देखो अभी कौन आ रहा है। चलो आ जाओ, look
ड्रिंक्स खिलाई। उसमें आ गए वापस, उसमें आ गए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। लल्ला एड़ा हो गई, लल्ला एड़ा हो गई। ना कत्तर ना भाग रहा है, बाथरूम में भागा था ना पापा। जब मैं रूम में लड़ने जाता हूँ, फिर मैं रूम में जाता वो मुझे डरता है, वो भी खो खो करता है। खा चनी खा, पप्पू क्या खा रहे? खाना टिक्का लगेगा तिला, मतलब माया पण तू खाया जाते, ए तू खाया, खाना खाना मासी लाई आणि बाद में जब तिला मतलब तुला। मैंने कल कोई वीडियो नहीं बना, अभी सुबह हो चुकी है और नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। क्या बोलेंगे, सब खाते ही जा रहे, किसी को पड़ी नहीं मोबाइल में देखने की। नाश्ते में क्या बनाया मैंने आप लोगों सबको नाश्ते के साथ? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। नाश्ते में बनाया मैंने साबूदाना की खिचड़ी और ये रही विश्रुता ने मिठाई लाई हुई। कैसी है? बहुत एक नंबर है ना, बहुत सुंदर। तो ये सब अभी हम मिलेंगे नाश्ते के बाद, इस वीडियो को पूरा करना है। ये वीडियो लो पूरा करना है ना। ये रहे प्रेस के कपड़े जो दानिश लेके जाएंगे बोझे। बोझे कुठे बाहेर लल्ला काय झालं फिसरली ग चला रोज दे बसले आओ नाश्ता करे। फाइनली मैं नाश्ता करने बैठ रही हूँ। लोणचं खूप तिखट होतं, मग त्याच्यामध्ये तेल टाकलं ना तेव्हा थोडं तिखट बहुत तेल डाला, इतना तेल सस्ता है क्या? तेल डालना ही पड़ता है तो उसको याद आए बहुत डाला बहुत हाँ थोड़ा तेल तक पड़ना जास्त पण त्याचं तेल नसलं ना त्याला ते मुरशी पकडते ना ते पडते मग आपल्याला कसं वर्षभर टिकवायचं असतं ना। बरोबर बी हमारा नाश्ता तो हो गया है, अभी घर के काम और खाना बनाना है। वैसे खाने में देखते हैं अभी क्या, चिकन चिकन ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्रेंड ना गोश्त नहीं खाती है, मतलब बकरे का मटन वो नहीं खाती है। मतलब दानिश ने तो बकरे का मटन वगैरह भी लाया है, वो इस हिसाब से लाया था कि हमें जाना था ना, उस हिसाब से लाए थे उन्होंने। बकरे का मुंडई भी लाई है और मटन भी लाया है, लेकिन उसको बकरे का चलता नहीं है तो अभी उसको चिकन ही अच्छा लगता है, तो चिकन में ही कुछ बनाऊँगी। और बच्चे सोए है, लल्ला का क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लल्ला आज भी उसे डर रहा है। मतलब डर थोड़ा कम हो गया है लेकिन डर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि उसको मतलब ऐसा क्या कहूँ और क्या करूँ कि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे रहे। समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों उसको डर रहा है। दूसरी बात, यहाँ धोए हैं मैंने नए कपड़े कि कोई भी कपड़ा ना मैं बिना पे मतलब जैसे अपन कपड़े लेकर आए ना कि हम दूर मतलब डायरेक्ट नहीं पहन लेते हैं, मैं पहले उसको पानी में से कम निकाल लेती हूँ उसके बाद पहनते हैं, ऐसे ही पहनती नहीं हूँ। और दूसरी बात रही बिग बाज़ार की, बिग बाज़ार में हमने जैसे कि आपको बोला था कि मैंने सारी शॉपिंग बिग बाज़ार से की है, तो बिग बाज़ार में हुआ क्या ना, अभी मैंने तीन लेगिंग्स लिए थे ना, तीनों सेम लिए थे, सेम कपड़ा, तीनों के भी साइज़ सेम ली थी, उसके बावजूद भी दो तो बराबर आ गए लेकिन एक हो ही नहीं रही। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब तीनों सेम टू सेम है तो फिर एक में इतना बदलाव क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पलाजो लिया था तो वह पलाजो का क्या हुआ है ना, वो पलाजो पता है मैंने कितने में लिया है, एक पलाजो 700 रुपये में लिया है, 700, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पानी में डुबोया है ना उसने पूरा तरह से कलर छोड़ दिया है।
तो फिर क्या फायदा रहा बिग बाजार में शॉपिंग करने का, मैं वो सोच रही हूँ फिर बाकी का भी कैसा रहेगा क्या रहेगा पता नहीं है। लेकिन वो पलाजो का पूरी तरह से कलर मतलब जा चुका है एक बार पानी में से निकालने से, तो अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा लग रहा है वो 700 रुपये मेरे ऐसे ही जाने वाले हैं, क्योंकि वो कलर छूट गया, मतलब वो कपड़ा कैसा एकदम ऐसा डाउन जैसा हो जाएगा ना, उसका कलर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए मुझे ना बिग बाज़ार ना स्टार्टिंग से ही मुझे बिग बाज़ार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कि मैंने सोचा चलो ठीक है ना, दिवाली का टाइम था और फिर बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था जाने का था उस हिसाब से, तो इसलिए मैंने वो कर लिया। लेकिन मुझे बहुत बेकार लग रहा है अभी कि नहीं करना चाहिए था। एक तो मैंने पहले जैसे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग तो हो ही रही थी ना, एक साथ तो नहीं हो रही थी, तो वैसे ही मैंने कपड़े पानी में से निकालती ना तो शायद मुझे पता चलता था ऐसा हो रहा है। तो लेगिंग्स का तो मेरा हुआ ही नहीं, तो अभी मैं किसी को और को वो दे डालूँगी, क्योंकि क्या करूँ ना, मुझे वो नहीं आ रही है सेम होने के बावजूद भी नहीं आ रही है, तो अभी वो दो मैं रखूँगी, किसी को दे डालूँगी। हाँ पापा, बच्चा उठ चुका है एक मतलब सोते है ना तो मुझे बहुत आसान जाता है काम करने, वीडियो बनाने, सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो उठ जाते हैं तो फिर उनको ऐसा कि हमारे साथ रहो ये होता है प्रॉब्लम। तो अभी चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, अभी अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ, अभी तुरंत स्टार्ट करती हूँ, कैसे क्या जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।